नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मनोज चहल। भाई, जिम्बाब्वे की टीम ये मुकाबला जरूर हारी है, तीसरा T20 मैच 23 रनों से, लेकिन इस हार के बाद भी जिम्बाब्वे की टीम ने इतिहास रच दिया, कमाल कर दिया T20 क्रिकेट में। वो कमाल इसलिए किया क्योंकि भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करते हुए हरारे की इस पिच पर 182 रन बनाए थे 4 विकेट के नुकसान पर, लेकिन जब चेज करने आई जिम्बाब्वे की टीम, एक समय सिर्फ 39 रनों पर 5 विकेट आउट हो चुके थे जिम्बाब्वे की टीम के, लेकिन उसके बाद सोचिए दोस्तों कि उन्होंने 150 प्लस कर लिया, अब 119 रन जोड़ दिए लास्ट के 5 बैट्समैनों ने। ऐसा बहुत रेयर होता है, लेकिन जिम्बाब्वे की टीम ने ऐसा कारनामा कर दिया। और इतना ही नहीं, इससे पहले भी वैसे देखा जाए तो इंडिया वर्सेज जिम्बाब्वे अगर आप रिकॉर्ड्स निकालेंगे दोस्तों, ऐसा सेकंड टाइम था जब जिम्बाब्वे की टीम ने इंडिया खिलाफ T20 फॉर्मेट में 150 प्लस स्कोर किया हो। 2016 में भी उन्होंने ऐसा किया था, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने ऐसा कारनामा कर दिया। और इसमें सबसे बड़ा जो योगदान था वो डेवन मॉयर्स का था, और मॉयर्स ने 65 बनाए, नॉट आउट रहे, बट वो मैच नहीं जीता पाए। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक समय ऐसा जरूर लगा था कि भाई 39 रनों पर ही आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी टीम ने 150 का आंकड़ा पार करने में सफल रही। और एक अगर देखा जाए T20 मैचों के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन जोड़ने का रिकॉर्ड बनाया है जिम्बाब्वे की टीम ने, 5 विकेट के गिरने के बाद 119 रन जोड़े हैं इस टीम ने। और जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा काम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भारत के खिलाफ अगर इस मैच में जिम्बाब्वे का सबसे खास रिकॉर्ड एक ये भी है कि 5 विकेट गिरने के बाद भी ये टीम T20 में 119 रन बना पाती है। और जो देखा जाए, इससे पहले आयरलैंड ने पिछले साल डबलिन में भारत के खिलाफ ऐसा काम किया था, 31 पर 5 आउट हो गए थे एक समय, लेकिन उसके बाद भी 108 रन जोड़ दिए थे उन्होंने। वैसे देखा जाए तो जिम्बाब्वे ने एक बार ऐसा किया था क्योंकि 2016 में 170 बना दिए थे और सिर्फ 2 ही आउट हुए थे। और आज भी एक समय ऐसा जरूर लगा था कि जिम्बाब्वे की टीम जिस तरीके से खेल रही थी और मायर्स जैसी बैटिंग कर रहे थे, वो भी अच्छा खेलते, लेकिन उनको साथ नहीं मिला, क्योंकि अगर यहाँ सिकंदर रजा एक ऐसी बैटिंग कर देते, ताबड़तोड़ बैटिंग कर देते, 20-30 रन और बना देते, तो शायद हो सकता है कि ये मुकाबला वो जीत भी जाते, क्योंकि वैसे ही मार्जिन 20-30 रन का ही रहा था। लेकिन देखा जाए कंप्लीट पैकेज है जिम्बाब्वे की टीम, बड़ी अच्छी टीम है, यंग टैलेंट है इनके पास, लेकिन बैटिंग में, जी हाँ, बैटिंग इनको अच्छा करना होगा अगर इंडिया को फाइट बैक देना है तो। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सीरीज खड़ी है फिलहाल 2-1 से टीम इंडिया आगे है, और ये हो सकता है इंडिया 4-1 से अपने नाम भी कर ले। लेकिन जिम्बाब्वे की टीम की तारीफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सोचिए दोस्तों आप 39 रन पर ये टीम 5 विकेट खो देती है, लेकिन उसके बाद भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए, और मायर्स का इसमें सबसे बड़ा यूजफुल नॉक थी 65 रनों की, बस ये उनके लिए सेटबैक है कि वो मैच नहीं जीता पाए, लेकिन दिल जरूर जीता जिम्बाब्वे की टीम ने। और भारतीय गेंदबाजों पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा सवाल उठता है, और खासकर रवि बिश्नोई आज बड़े महंगे साबित हुए, 4 ओवर में 37 रन उन्होंने लुटा दिए और कोई विकेट भी नहीं लिया उन्होंने, सबसे महंगे आज वो साबित रहे। तो रवि बिश्नोई टीम इंडिया के लिए हमेशा बनते थे, और आपको याद होगा दोस्तों दूसरे मैच में उन्होंने 4 विकेट भी चटकाए थे और मैन ऑफ द मैच बने थे। और कहीं ना कहीं यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर ने वो काम कर दिया, लेकिन रवि बिश्नोई वैसा काम कर नहीं पाए। लेकिन जिम्बाब्वे के लिए अभी भी मेरा मानना है कि उनको आने वाले अपकमिंग मैचेज में अगर इंडिया को चैलेंज देना तो उनकी बैटिंग को अच्छा करना होगा, क्योंकि बॉलिंग में नो डाउट सिकंदर रजा अच्छा कर रहे थे। आज हमने देखा कि सिकंदर रजा ने 4 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेट चटकाए, लेकिन दूसरे जो गेंदबाज है उनको भी अच्छा करना होगा। लेकिन लगता बड़ा मुश्किल है कि जिम्बाब्वे इंडिया को हरा पाएगा अगले दोनों मैचेस में, लेकिन ये टीम अगर एज ए यूनिटी और पोटेंशियल पर खेली तो बिल्कुल टीम इंडिया को मात दे सकती है। लेकिन जिम्बाब्वे ने, जैसे मैंने आपको बताया, मैच जरूर हारा लेकिन दिल जरूर जीता इस टीम ने, और दूसरी बार ऐसा कारनामा किया है कि भारत के खिलाफ उन्होंने 150 का आंकड़ा पार किया है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अभी तक अगर आपने न्यूज नेशन और न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए।